नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुस्टरली पर आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स को अलग अलग मॉड्यूल में पूरा कवर कर रहे हैं और इस सीरीज का 7th मॉड्यूल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा और उष्मा गतिकी है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड, वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से उष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। ऑप्शन ए कंडक्शन चालन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन संवहन, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन अवशोषण, ऑप्शन डी एडवेक्शन अभिवहन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी एडवेक्शन अभिवहन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अ मेटल प्लेट विथ अ सर्कुलर होल एट द सेंटर इज हीटेड, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ द होल। केंद्र में एक परिपत्र छेद के साथ एक धातु की प्लेट गर्म की जाती है, होल के एरिया का क्या होगा। ऑप्शन ए इंक्रीजेस बढ़ती है, ऑप्शन बी डिक्रीजेस कम हो जाती है, ऑप्शन सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट स्थिर रहता है, ऑप्शन डी विल इंक्रीज फर्स्ट देन डिक्रीज, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डिक्रीजेस, कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज, गर्म पानी की थैलियों में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए इट इज इजली ऑब्टेन्ड, यह आसानी से प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन बी इट इज चीपर एंड इज नॉट हार्मफुल, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, ऑप्शन सी इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट, इसमें उच्च विशिष्ट उष्मा होती है, ऑप्शन डी इट इज इजी टू हीट वाटर, पानी को गर्म करना आसान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट, इसमें उच्च विशिष्ट उष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट उष्मा का उच्चतम मूल्य है। ऑप्शन ए ग्लास कांच, ऑप्शन बी कॉपर तांबा, ऑप्शन सी लेड लेड, ऑप्शन डी वाटर पानी। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाटर पानी। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट उष्मा का उच्चतम मूल्य है, तो किसमें है, वाटर पानी में है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज, गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए द गैसेज आर लाइटर, गैसें हल्की होती हैं, ऑप्शन बी हैव लो स्पेसिफिक हीट, कम विशिष्ट उष्मा है, ऑप्शन सी हैव लार्ज कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का बड़ा गुणांक है, ऑप्शन डी हैव हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च विशिष्ट उष्मा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैव लार्ज कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का बड़ा गुणांक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर सेम एट, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तापमान समान है। ऑप्शन ए -273 डिग्री, ऑप्शन बी -40 डिग्री, ऑप्शन सी 32 डिग्री, ऑप्शन डी 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी -40 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंजेस विल हैपन टू अ बाउल ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी गई बर्फ और पानी के कटोरी में क्या बदलाव होंगे। ऑप्शन ए ऑल आइस विल मेल्ट, सारी बर्फ पिघल जाएगी, ऑप्शन बी ऑल वाटर विल बिकम आइस, सारा बर्फ पानी बन जाएगा, ऑप्शन सी नो चेंजेस विल हैपन, कोई बदलाव नहीं होगा, ऑप्शन डी ओनली सम आइस विल मेल्ट, केवल कुछ बर्फ पिघल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नो चेंजेस विल हैपन, कोई बदलाव नहीं होगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हेन हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ थिक ग्लास टम्बलर इट क्रैक्स बिकॉज, जब गर्म तरल को एक मोटे कांच के ग्लास में डाला जाता है तो यह फट जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो ओनली अंडर सरफेस एक्सपेंड्स, ग्लास गर्मी का एक बुरा कंडक्टर है इसलिए केवल सतह के नीचे फैलता है, ऑप्शन बी
हैज हाई टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार के उच्च तापमान गुणांक है। ऑप्शन सी हैज लो स्पेसिफिक हीट, बहुत कम विशिष्ट ऊष्मा है। ऑप्शन डी हैज लो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का गुणांक कम तापमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो ओनली अंडर सरफेस एक्सपेंड्स। ग्लास गर्मी का एक बुरा कंडक्टर है, इसलिए केवल सतह के नीचे फैलता है, यहां उष्मा हो जाएगा गर्मी की जगह। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटल टी पॉट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज, धातु चाय के बर्तन में लकड़ी के हैंडल होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लकड़ी उष्मा का एक बुरा संवाहक है। ऑप्शन बी इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक, यह बिजली के झटके को रोकता है। ऑप्शन सी इट गिव्स ब्यूटी टू द पॉट्स, यह बर्तन को सुंदरता देता है। ऑप्शन डी इट इज हाइजीनिक, यह स्वच्छता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लकड़ी उष्मा का एक बुरा संवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सा उष्मा का अच्छा संवाहक है लेकिन विद्युत का बुरा संवाहक है। ऑप्शन ए माइका अभ्रक, ऑप्शन बी एबेस्टोस अदहक, ऑप्शन सी सेल्युलॉयड, ऑप्शन डी पैराफिन वैक्स पैराफिन मोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए माइका अभ्रक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, लेक्स फ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर लिविंग द वॉटर अंडरनीथ एट, ठंडे देश में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर, ऐसा कब क्यों होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन बी 0 डिग्री फॉरेनहाइट पे, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन बी 4 डिग्री फॉरेनहाइट पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गैसेज इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज, वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मिक्सिंग रेशियो मिश्रण अनुपात, ऑप्शन बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षित आर्द्रता, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन डी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निरपेक्ष आर्द्रता। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट एट द ज्वाइंट्स ऑफ रेल इन रेलवे ट्रैक टू, रेलवे ट्रैक में रेल के जोड़ों पर एक छोटा सा अंतर छोड़ा जाता है क्यों। ऑप्शन ए अवॉइड द ट्रैक्स बीइंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, मौसमी तापमान भिन्नता के कारण विकृत होने वाली पटरियों से बचे। ऑप्शन बी अवॉइड द हीटिंग ऑफ ट्रैक्स टू हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर पटरियों के हीटिंग से बचे। ऑप्शन सी कंट्रोल द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की गति को नियंत्रित करें। ऑप्शन डी कीप द रेल्स इक्विडिस्टेंट, रेल को बराबर रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टू अवॉइड द ट्रैक्स बीइंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, मौसमी तापमान भिन्नता के कारण विकृत होने वाली पटरियों से बचें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन इज यूज्ड फॉर एनी मेटल टू बी यूज्ड एज कुकिंग मटेरियल, खाना पकाने की सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मोर स्पेसिफिक हीट, अधिक विशिष्ट उष्मा, ऑप्शन बी मोर थर्मल कंडक्टिविटी अधिक तापीय चालकता, ऑप्शन सी लेस थर्मल कंडक्टिविटी कम तापीय चालकता, ऑप्शन डी लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम विद्युत चालकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मोर थर्मल कंडक्टिविटी अधिक तापीय चालकता। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ ब्लैक बॉडी कैन अब्सॉर्ब रेडिएशन ऑफ, एक काली वस्तु विकिरणों को अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन ए लोअर वेवलेंथ ओनली केवल कम तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट वेवलेंथ ओनली केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी हायर वेवलेंथ ओनली केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी ऑल वेवलेंथ सभी तरंग दैर्ध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी ऑल वेवलेंथ, सभी तरंग दैर्ध्य। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इज यूज इन अ कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स, कार रेडिएटर में पानी का उपयोग इसके कारण किया जाता है। ऑप्शन ए लो डेंसिटी कम घनत्व, ऑप्शन बी इजी अवेलेबिलिटी आसान उपलब्धता, ऑप्शन सी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट उष्मा की उच्च क्षमता, ऑप्शन डी लो बॉइलिंग पॉइंट कम क्वथनांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी विशिष्ट उष्मा की उच्च क्षमता होती है, इसलिए क्या होता है कार रेडिएटर में पानी का उपयोग किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वूलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड बिकॉज, ऊनी कपड़े शरीर को ठंड से बचाता है क्योंकि, ऑप्शन ए इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यह उष्मा का सुचालक है, ऑप्शन बी इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यह उष्मा का खराब संवाहक है, ऑप्शन सी एक्सटर्नल हीट रेज एंटर इन टू द बॉडी थ्रू द वूलन क्लॉथ्स, बाहरी उष्मा किरणें ऊनी कपड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं, ऑप्शन डी इट रिफ्लेक्ट्स हीट, यह उष्मा को परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यह उष्मा का खराब संवाहक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 degree टू 10 degree सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ वाटर विल 0 degree से 10 degree सेल्सियस तक गर्म करने पर दिए गए द्रव्यमान की मात्रा क्या होगी। ऑप्शन ए इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है, ऑप्शन बी डिक्रीजेस ग्रेजुअली धीरे धीरे घटता है, ऑप्शन सी इंक्रीजेस एंड देन विल डिक्रीजेस बढ़ेगा और फिर घटेगा, ऑप्शन डी डिक्रीजेस एंड देन विल इंक्रीज घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिक्रीजेस एंड देन विल इंक्रीज घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट उष्मा का न्यूनतम मूल्य है। ऑप्शन ए ग्लास कांच, ऑप्शन बी कॉपर तांबा, ऑप्शन सी लेड लेड, ऑप्शन डी वाटर पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लास कांच, और जब मैक्सिमम होगा अधिकतम होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पानी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर एनी गैस एट, बॉयल का नियम किसी भी गैस के लिए उचित है। ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उच्च तापमान और कम दबाव पर, ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उच्च तापमान और उच्च दबाव पर, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कम तापमान और उच्च दबाव पर, ऑप्शन डी लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, कम तापमान और कम दबाव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उच्च तापमान और कम दबाव पर। बॉयल से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है अक्सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज, साफ रातें बादल की रात से ज्यादा ठंडी होती हैं क्योंकि, ऑप्शन ए कंडक्शन चालन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन संगनन, ऑप्शन सी रेडिएशन विकिरण, ऑप्शन डी आइसोलेशन अलगाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी रेडिएशन विकिरण, विकिरण के कारण होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइस ब्लॉक विथ ए पीस ऑफ लीड एम्बेडेड इन इट फ्लोट्स इन वाटर, इफ आइस मेल्ट्स द वाटर लेवल, एक बर्फ खंड जिसमें सीमा का टुकड़ा होता है, एक बर्फ खंड जिसमें सीसा का टुकड़ा होता है वह पानी में तैरता है यदि बर्फ जल स्तर को पिघला देता है, तो क्या होगा। ऑप्शन ए राइज बढ़ता है, ऑप्शन बी फॉल्स घटता है, ऑप्शन सी रिमेनिंग सेम स्थिर रहता है, ऑप्शन डी फॉल्स फर्स्ट देन राइजेस, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी रिमेन सेम स्थिर रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वूलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, ऑप्शन ए ऊल इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ऊन शरीर का तापमान बढ़ाता है, ऑप्शन बी ऊल इज द बैड कंडक्टर, ऊन एक बुरा कंडक्टर है, ऑप्शन सी ऊल एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्ट्स, ऊन बाहरी वस्तुओं से उज्ज्वल गर्मी और अवशोषित करता है, ऑप्शन डी ऊल रिजेक्ट्स हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट्स, ऊन अन्य वस्तुओं से गर्मी को अस्वीकार करता है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ऊल इज अ बैड कंडक्टर, ऊन एक बुरा कंडक्टर है। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओशन करेंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, महासागरीय धाराएं का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए कंडक्शन चालन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन संवहन, ऑप्शन सी रेडिएशन विकिरण, ऑप्शन डी इंसुलेशन तापावरोधन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कन्वेक्शन संवहन हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हीटिंग फ्रोजन फूड्स इन सील्ड पाउचेज इन ए माइक्रोवेव, व्हाई डू यू फर्स्ट पोक होल्स इन द पाउच। माइक्रोवेव में मोहर बंद पाउच के जमे हुए भोजन को गर्म करने में आप पहले थैली में छेद क्यों करते हैं। ऑप्शन ए टू प्रिवेंट द स्टीम प्रेशर फ्रॉम बस्टिंग ओपन द पाउच, थैली को खोलने से भाप के दबाव को रोकने के लिए। ऑप्शन बी टू अलाउ द हीट टू गेट इन टू द फूड थ्रू द होल, छेद के माध्यम से भोजन में गर्मी प्राप्त करने की अनुमति दें। ऑप्शन सी टू अलाउ द माइक्रोवेव टू गेट इन टू द फूड थ्रू, माइक्रोवेव को भोजन के माध्यम से प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए। ऑप्शन डी टू अलाउ द एरोमा ऑफ द फूड टू कम आउट थ्रू द होल्स, छिद्रों के माध्यम से भोजन की सुगंध बाहर आने की अनुमति देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टू प्रिवेंट द स्टीम प्रेशर फ्रॉम बस्टिंग ओपन द पाउच, थैली को खोलने से भाप के दबाव को रोकने के लिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, सन्स हीट रीचेस अस बाय, सूर्य की उष्मा हम तक पहुंचती है, ऑप्शन ए कंडक्शन चालन के द्वारा, ऑप्शन बी कन्वेक्शन संवहन द्वारा, ऑप्शन सी रेडिएशन विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रेडिएशन विकिरण द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं रेडिएशन वही होती है जहां बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अ गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेल्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक टू अकोमोडेट ऑफ मेटल, धातु के को समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक की दो रेलों के बीच एक अंतर छोड़ा जाता है। ऑप्शन ए एरियल एक्सपेंशन क्षेत्र विस्तार, ऑप्शन बी वॉल्यूम एक्सपेंशन मात्रा विस्तार, ऑप्शन सी लीनियर एक्सपेंशन रैखिक विस्तार, ऑप्शन डी अपेरेंट एक्सपेंशन स्पष्ट विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीनियर एक्सपेंशन रैखिक विस्तार। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अ सर्कुलर प्लेट अ क्यूब एंड अ स्पेयर ऑल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम मास आर हीटेड टू 300 एंड लेफ्ट इन अ रूम, विच डू वी विल हैव द स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग। एक गोलाकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही सामग्री से बने होते हैं और एक ही द्रव्यमान के हैं, इन्हें 300 तक गर्म किया जाता है और एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, उनके पास शीतलन की सबसे धीमी दर होगी। ऑप्शन ए सर्कुलर प्लेट परिपत्र प्लेट, ऑप्शन बी क्यूब घन, ऑप्शन सी स्पेयर गोला क्षेत्र, ऑप्शन डी ऑल विल कूल एट द सेम रेट, सभी एक ही दर पर ठंडा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेयर गोला क्षेत्र। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वाटर फ्रॉम हैंडपम्प इज वार्म इन विंटर बिकॉज, सर्दियों में हैंडपम्प से पानी गर्म आता है क्योंकि। ऑप्शन ए आवर बॉडी इज कोल्ड इन विंटर एंड द वाटर अपीयर्स टू बी वार्म, सर्दियों में हमारा शरीर ठंडा रहता है और पानी गर्म होता है। ऑप्शन बी द टेम्परेचर इन साइड द अर्थ इज हायर देन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक है। ऑप्शन सी द पंपिंग प्रोसेस कॉजेज फ्रिक्शन विच वार्म अप द वॉटर, पंपिंग प्रक्रिया से घर्षण होता है जो पानी को गर्म करता है। ऑप्शन डी इनसाइड वाटर कम्स आउट एंड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट, अंदर का पानी बाहर निकलता है और वातावरण से गर्मी अवशोषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज हायर देन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है सर्दियों में हैंडपंप से पानी गर्म आता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।